जय हिंद दोस्तों हमारा दृष्टि सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ तो अभी तक हमने जो कवर किया है इंटरनेशनल रिलेशंस के दो टॉपिक्स को कवर कर लिया था मेजरली एंड लास्ट जो टॉपिक हमारा कवर हुआ था वो था आ, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस का और इस टॉपिक में आज के वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो हम रिपोर्ट्स और एंडाइसिस को कवर करने वाले हैं एंड ऐसे ऑलरेडी सेट कि ये जो कंपोजिट टॉपिक्स हैं उनको हम एक वीडियो में समराइज कर लेंगे और खासकर रही बात रिपोर्ट्स एंड एनाइसिस की तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा शफल डीप में नहीं जाना होता है जस्ट वी हैव टू गो थ्रू विद द इंडियाज़ रैंक कि इंडिया की क्या रैंक रही है इसमें और जो भी कंट्री कंटिन्यूसली अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया है कुछ सालों से वो सेम um, पोजीशन पर है या फिर कुछ मेजर चेंजेस आ गए कि भाई वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कंट्री टू बी ऑन टॉप और वो इस साल उस कंट्री टॉप पे आ उस तरीके की जो इंडाइसिस होती है उन पर हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है एंड खासकर अगर इंडिया की रैंक्स में कहीं सुधार हो रहे हैं तो वो इंडाइसिस भी हमको ज्यादा ध्यान देना होते हैं वो रिपोर्टस, रिपोर्टस के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना होता है दूसरी चीज़ ये होती है यहाँ पे जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि भाई रिपोर्ट क्या है वॉट इज द रिपोर्ट कौन रिलीज करता है उस रिपोर्ट को राइट वो रिलीजेज सच रिपोर्ट्स साथ में आम, आपको ये सब जैसे होता है कि रिलीज ऑन विच डेट रिलीज बाय विच एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली और इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट होती है एंड खासकर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए हम डेटा भी देखते हैं कि भाई किन वेरिएबल्स पे वो डिपेंडेंट होती है सो विल गो थ्रू विद ऑल दिस जहाँ भी जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कुछ भी अगर हमें फील होता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो उसकी हम डिटेल्स में जाएंगे अदरवाइज वी विल टच दो

लेकिन से कर रहे हैं कहीं से नीचे से टॉप इलेवन में है तो बहुत कोई अच्छी रैंक हमारी नहीं है बट हाँ ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है कि भाई ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है यू एन एस टी एस एन के साथ और इसी के साथ अगर हम देखें तो पिछले छह सालों से लगातार जो कंट्री टॉप पर टॉप रैंकिंग में बनी हुई है वो है फिनलैंड ओके सो फिनलैंड वाज नेम दर्ल्ड हैप्पीस्ट कंट्री फॉर दिक्कत ईयर इन अ रोम ईयर इन अ रोमेंड एक्सक्यूज सो पहली चीज ये होगी कि भाई फर्स्ट रैंक किसकी आई है फिनलैंड की आई है इंडिया की रैंक क्या है

नाउ वॉट अबाउट द वर्ल्ड है कि भाई किस आधार पर जो हम बोलते हैं कि खुशी एक देश की नापी जा सकती है उसके लिए छह वेरिएबल्स दिए गए हैं तो सिक्स वेरिएबल्स आर जी डी पी पर कैपिटल सोशल सपोर्ट हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रीडम जिनरसिटी एंड करप्शन राइट तो ये जेनरॉसिटी जनरली हम मिस कर जाते हैं कि भाई जिनरोसिटी कोई वेरिएबल्स में नहीं आना चाहिए कोई सब्सटैंडिव कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है बट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी हैप्पी हाउ जनरस आर द पीपल ऑफ दो नेशन सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑल्सो तो भाई आपको ये वेरिएबल्स एक बार दिमाग में रखने हैं क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है विच ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कौन सा इस वेरिए uh, कौन सा इन छेबल्स में से नहीं है या किसी और कितने वेरिएबल्स टोटल होते हैं या मेंस में जब आप इसको लिखते हो तो मेंस में आप सिंपली एक फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हो भाई सिक्स वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हो राइट right? तो सिक्स वेरिएबल्स आर देयर एंड ये सब आपको देखिए रटने की जरूरत नहीं है कैसे भी बस इतना याद रख सकते हैं कि भाई पहली बार कब निकाला गया था 2012 में निकाला गया था किसने चेयर किया क्या किया कैसे निकाला कौन उसमें पहला ये सब हमको बहुत ज्यादा याद रखना नहीं है फर्स्टली कब से चली आ रही है तो भाई 2012 से हम हैप्पीनेस इंडेक्स को निकाल रहे हैं हो सकता है तब से हमें जरूरत फील हुई हो कि भाई कितने देश हैप्पीनेस इंडेक्स में आ, पिछड़ रहे हैं कंटिन्यूसली तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इसको रिलीज करना स्टार्ट किया सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो भाई फर्स्ट टॉप थ्री कंट्रीज की बात करेंगे तो फिनलैंड डेनमार्क आइसलैंड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं वहाँ पे तो हमें इतना ये सोचने की जरूरत नहीं कि भाई इंडिया किसी दिन टॉप पर आ जाएगा बट यस yes, इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज रैंकिंग में आता है इस चीज में um, इसमें हमें सोचने की जरूर जरूरत है हाँ बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज ह्यूज नेशन तो भाई ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट रैंकिंग में तो नहीं आ पाएंगे बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल नेशंस बट हम इतनी कोशिश की जा सकती है कि हम बॉटम लिस्ट में टॉप ना करें राइट तो बॉटम थ्री कंट्रीज जो है वह अफगानिस्तान एंड सेरालियॉन इंडिया हैज़ अ लोअर है किस के पीछे इंडिया अपना जो पड़ोसी देश है चाइना जिसकी रैंक 64 है नेपाल 78 है पाकिस्तान वन जीरो दिस इज वेरी डिटरेटिंग थिंग एंड बांग्लादेश इज वन श्रीलंका इज वन राइट सो देखिए ये सब आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं ऑब्वियस सी बात है बट हाँ जब आप मेंस लिखते हो सो इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं कि भाई आप वेन एवर यू कंपेयर राइट वेन एवर यू कंपेयर तब आप देखते हैं कि भाई आप अपने पड़ोसी देशों से पीछे हैं तो वो आप मेंस पर्सपेक्टिव में आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट right?

बट uh, इतना भी हमें बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है बट हाँ अगर मेन्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखनी होती है तो बट आई एम ट्राइंग टू डू इसके लिए थोड़ा बहुत आ, ये चीजें भी जरूरी है भाई आपको दिमाग में रखनी है

एंड सी पी आई ग्लोबल एवरेज जो है वो अनचेंज रहा है फोर्टी थ्री पर ये ग्लोबल एवरेज की हम बात कर रहे हैं राइट तो एवरेज फोर्टी थ्री रहा है फॉर द इलेवेंथर ग्यारह साल से कंटिन्यूसली यही एवरेज रह रहा है एंड मोर देन टू थर्ड दीज ए सीरियस प्रॉब्लम विथ करप्शन स्कोरिंग बिलो फिफ्टी ना अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो अगेन दे आर द टॉप परफॉर्मर्स फिनलैंड सॉरी डेनमार्क देन फिनलैंड न्यूजीलैंड इंडिया जो है इंडिया फोर्टी रैंकिंग के साथ स्टैंड कर रहा है या फोर्टी स्कोर के साथ स्टैंड कर रहा है बॉटम परफॉर्मर्स की बात करें तो सोमालिया साउथ सूडान एंड सीरिया सिग्निफिकेंट डिक्लाइनर्स सिग्निफिकेंट डिक्लाइनर्स जो कंटिन्यूस डिक्लाइन कर रहे हैं सिग्निफिकेंस दिख रहा है उनके डिक्लाइनिंग फेज जो उनकी परस्पेक्टिव um, है उसमें जो चेंजेस दिख रहे हैं लग्जम्बर्ग कैनेडा यूके राइट इंडिया की पोजीशन की बात करें तो नोटेबली देर वॉज नो चेंज इन इंडिया स्कोर एंड इट रिमेन्ड एटी फिफ्थ पोजीशन कोई चेंज नहीं रहा है हाअर रिपोर्ट रेज द कंसर्न ओवर कंट्रीज डेमोक्रेटिक स्टेटस 2021 में इंडिया की जो रैंक थी वो इम्प्रूव हुई थी एक प्लेस के साथ

next is uh, what is about transparency international. so a non-governmental organization, here 1993, mein it was founded in berlin, germany. as we've seen, kiska headquarters in germany, mein hai. and it is a non-for-profit purpose organization, right? so corruption perception index released by transparency international. india has ranked 85th. there's no change in india's rank. and uh, <coughs> transparency international releases this report. and denmark is at the top position, right? Next is Global Terrorism Index. Global Terrorism Index ka 10th edition recently introduced kiya gaya and uh, it is released by IEP, the Institute for Economics and Peace. ठीक है, तो ये क्या है? ये global think tank है, जिसका headquarters सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है. And सबसे ज़्यादा जो terrorism से affected जो country है, the most affected country by terrorism is Afghanistan. को मिली है बट ओवर चेंजेस नहीं आए हैं देन अफगानिस्तान जो है वो इट रिमेन्स दी मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेरिज्म फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव इयर तो सब चार साल से लगातार सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड कंट्री रही है वो अफगानिस्तान रही है डिक्लाइन इन डेथ नंबर एंड आउटसाइड अफगानिस्तान टेरिज्मेथ फोरसेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है अगेन आई वु ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है प्री में अगेन ये जो डेटा है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मीन ये डेटा जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलियम ऑब्वियसली बट यहां अगर हम देखें तो अफगानिस्तान अभी भी चार साल में कंटिन्यूसली भी वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड कंट्री है टेररिज्म से लेकिन वहां पर नंबर ऑफ डेथ जो है वो डिक्लाइन हुई है लेकिन अगर हम अफगानिस्तान के बाहर की बात करें तो टेररिज्म से जो होने वाली जो डेथ्स है, वो डेथेंट बड़ी है इन द द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अफगानिस्तान को आप अलग छोड़ दीजिए उस, उस, देश को आप अलग छोड़ दीजिए बाकी दुनिया में चार एंड इट्स दर्स डेडलीएस्ट द ग्रुप डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप इन टू तो भाई डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप कौन सा रहा कंट्री तो हमने देख ली जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रही है वो ये रही है और सबसे ज्यादा डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप कौन सा रहा है

Okay? So, um, साउथ एशिया की बात करते हैं तो अफगानिस्तान हमने देख लिया सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्टेड है पाकिस्तान number पे है इंडिया थर्टींथ नंबर पर सेवन थाउजेंड वन सेवेंटी थी ओवरऑल स्कोर रहा मतलब इनका Fine. So this is about India. तो यहाँ पे जो मेजर चीज है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज बाय आई ठीक सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है वो अफगानिस्तान है मेजर अफेक्टेड अफगानिस्तान हो गया एंड इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की रैंक क्या है थर्टीन नेक्स्ट इज सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स Safety Perception Index 2023 ये आपको एक कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट देता है ऑफ द वरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ रिस्क अक्रॉस 121 कंट्रीज ऑफरिंग वैल्यूएबल इनसाइट इनटू सिटीजन परसेप्शन ऑफ सेफ्टी अराउंड द वर्ल्ड ठीक तो भाई अगर हम सेफ्टी इंडेक्स की बात करें तो इसको रिलीज कौन करता है इसको भी जो रिलीज करता है वो करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एंड अ कोलेब्रेशन लॉयड्स रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन एंड आई पी तो भाई ये दो मिलकर करते हैं खासकर आई ई पी इसको करता है um, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड कंट्री है सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में वो माली है विच हैज एक्सपीरियंस टू रिसेंट हैज बीन रैक्ट बाई मल्टीपल वायलेंट कॉन्फ्लिक्स बहुत मल्टीपल वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुए तो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड जो कंट्री वो माली है एंड दो हजार इक्कीस में 2021, SPI improved globally. अगर overall देखें, तो ग्लोबली एस पी आई इम्प्रूव हुआ था uh, इम्प्रूव हुआ था दो हजार फूड एंड वॉटर फूड एंड वॉटर एंड वायलेंट क्राइम इन दो डोमेन्स में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी लेकिन साथ ही साथ दो uh, चीजों में डिट्यूरेट भी हुआ था ठीक है तो ये जो दो है ये तो इम्प्रूवमेंट के हैं राइट right? मेरी समझ आ रही होगी। ये तो जो ये जो है के हैं बट मेंटल हेल्थ फॉर सिविल एग्री विद मी कि हम इन दो की मार सबसे ज्यादा खाते हैं राइट सीवियर वेदर एंड मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ तो पढ़ पढ़ के ऑब्वियसली खराब हो ही रहा है या सुधर रहा हो तो पता नहीं बट एक टाइम बाद हो ही जाता है खराब क्या पढ़ें कितना पढ़ें कैसे पढ़ें कितना याद रखें कितना रिटेन कर सकते हैं दूसरी बात बात सीवियर वेदर की इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं अपने घरों को छोड़कर एंड नॉट इन आर कंफर्ट जो तो जितनी भी कम्फर्टेबिलिटी लोग ले रहे हैं उसका जो ड्रॉबैक है वो हमको मिलता है साथ में राइट आई पी अंडरस्टैंड विद द काइंड ऑफ समर्स वी आर एक्सपीरियंसिंग। सो ये दो uh, चीज़ों पे जो है डिट्यूरेट um, हुआ है सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स सीवियर वेदर एंड मेंटल हेल्थ एंड दो परसपेक्टिव पे इंक्रीज हुआ है दैट इज फूड एंड वाटर एंड वायलेंट क्राइम अगेन आई वुड से दिस इज नॉट समथिंग जो कि प्री में पूछने के चांसेज ज्यादा हैं नहीं ये बहुत कम चांसेस हैं प्री में पूछने के बट स्टिल वी शुड नॉट लीव एनीथिंग थिंग बिहाइंड देन यहाँ पे आप देख लीजिए कि लीस्ट रिस्क इम्पैक्टेड कंट्रीज जो 2023 में रहे हैं वो हैं उज्बेकिस्तान यू और सऊदी नॉर्वे स्टोनिया टॉप थ्री देख सकते हैं आप कि लीस्ट रिस्क इंपैक्टेड कंट्रीज रही हैं उजबेकिस्तान यूनाइटेड अरब इमेरेट्स एंड सऊदी एंड मोस्ट रिस्क इम्पैक्टेड कंट्रीज जो रही हैं वो है माली सेरालियन और गिनी ठीक है तो बेस्ट ओवरऑल स्कोर रहा है उजबेकिस्तान का और वर्स्ट जो स्कोर रहा है वो है माली का सब सहारन कंट्रीज सबसे ज्यादा कंट्री हैं दुनिया में और इंडिया की पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की रैंक है 97 ठीक है तो इंडिया नाइनटी सेवेंथ रैंक पे है एंड नेबर कंट्रीज में देखें तो चाइना की रैंक नाइन है एंड पाकिस्तान की रैंक ट्वेंटी

नेक्स्ट है सिप्री इन इंटरनेशनल आर्म्स एंड ट्रांसफर्स 2022 रिपोर्ट तो इंडिया जो था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा 2018 से 22 के बीच में 2018 एटीन तो टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर सबसे ज्यादा आर्म्स हमने इम्पोर्ट किए

एंड दो हज़ार और 12 के बीच में जो थी उससे 4.8 परसेंट हायर थी तो भाई इतना ठीक है इतना डेटा नहीं देखना है फाइव लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर कंट्रीज एक्सपोर्टर कंट्रीज आई एम सो सॉरी फाइव लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्रीज जो रही हैं कौन कौन सी रही हैं देखिए यूएस रशिया फ्रांस चाइना जर्मनी ना आई वुड से कि ये इंपॉर्टेंट है ये आपके प्री के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फाइव लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन सी रही हैं यूएस रशिया आई होप यू नो अगर आप न्यूज से थॉरो होते हैं तो ये दो कंट्रीज के बारे में तो आपको श्योरली पता होगी टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज में से आते हैं देन रशिया फ्रांस चाइना एंड जर्मनी तो ये तो वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं देती हैं आर्म्स राइट एंड फाइव लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर कंट्रीज जो हैं वो हैं दो हजार टू थाउजेंड एटीन से ट्वेंटी टू के बीच में इंडिया सऊदी अरेबिया Qatar Australia and China India Saudi Arabia Qatar Australia China So these are the five largest arms importer in 2018 uh, to 2022 India Saudi Qatar Australia and China सो so, ये भी आपको उतना ही याद रखना है देखिए फाइव एक्सपोर्टर कंट्रीज भी आपको याद रखनी है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं और फाइव इंपोर्टर कंट्रीज भी आपको उतनी ही याद रखनी है दो हजार इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है देन चाइना चाइना सॉरी सॉरी आई एम सो चाइना इज नॉट द सेकेंड वन इंडिया देन साऊदी अरेबिया देन कतर ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना चाइना एक्सपोर्टर में भी है चाइना में भी है आगे टॉप वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन एटीन टू ट्वेंटी इट द पीरियड फॉर नाइन टू ट्वेंटी टू राइट एंड रशिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर आर्म्स टू इंडिया इन बोथ

<coughs> ये हम बात कर रहे हैं जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओके ओवरऑल नाउ विल सी मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं सो मेजर इंपोर्टिंग में फर्स्ट रैंक पे है इंडिया देन सऊदी अरेबिया कतर ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना राइट

So, रिलीज uh, uh, किया गया फ्री में बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स देन मोरक्को थाईलैंड वियतनाम यहाँ पे लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट देखा गया है इन दियर ओवरऑल स्कोर ठीक है तो इम्प्रूवमेंट जो देखा गया है वो Morocco, और वियतनाम में देखा गया है एंड एशिया के पास ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट रहा है इन द रीजनल एवरेज स्कोर तो ओवरऑल एशिया में भी ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है साथ ही साथ रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया का जो स्कोर है वो ट्वेंटी ड्रॉप हुआ है राइट right? तो भाई होना ही है फिलहाल रशिया इज इन्वॉल्व इन वॉर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से उतना ज्यादा रशिया को नहीं लेना देना होगा सो so, Overall, India, uh, sorry, का जो स्कोर है वो 21.62 परसेंट है अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें जो आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है इंडिया की क्या पोजिशन है सो दिस इज अबाउट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स विच इज रिलीज बाय चेंस नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो दिस अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय द इकोनमिस्ट मेहबूबुल हक

एंड बॉटम फाइव की बात करें तो साउथ सुडान चार नाइजर सी ए आर एंड बुरु ये हो गए सो so, हम इनसे पीछे ही है um, इंडिया वॉज रैंकडर्टी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड तो इसीलिए यहाँ पर हम जो देख रहे हैं रैंकिंग वो वन थर्टी टू है

Current state and evolution of gender parity across four key dimensions economic participation and opportunity, this is one dimension, educational attainment, health and survival, and political empowerment. So these are the four indicators. Uh, four key dimensions in based. Sati Sat, it is the longest standing index which tracks progress towards closing these gaps over time since its inception in 2006. अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 अगर हम इसकी बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2006 में इन 2006 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2006 फाइन तो कौन इसको रिलीज कर रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज कर रहा है दो में पहली बार हुआ था और चार पैरामीटर्स पे या चार की डायमेंशन पे ये

But okay, uh, look uh, my agenda is not to बट ओकेज बट माई एजेंडा obviously अगर रिपोर्ट दी जा रही है तो hogi बट इतना जो गैप दिखा देते हैं वो फिर जो होता है उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू नो द कंडीशन ऑफ बोथ द नेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान एज वेल एज अफगानिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश तो जब क्या होता है जब आप पूरी सिनारियोज को देखते हो और उसके बाद जब इतना गैप दिखाया जाता है रिपोर्ट के बीच में तो फिर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं लगता है फिर। ठीक है वी टू टेक कहीं आसपास हो तो फिर जस्टिफाइड भी होता है भाई बट इतना गैप जस्टिफाइड नहीं हो पाते ये मेरा मानना है बाकी आपकी क्या राय है आई हैव नो आइडिया बट इतना मेजर जो शिफ्ट जो करते हैं वो जस्टिफाइड कभी कभी नहीं फील होता है राइट सो दिस इज इंडिया इंडियाज रैंक 135 एंड अगर हम बात करें इंडिया की रैंक 2021 में तो 140 थी लेकिन वो 150 सिक्स कंट्रीज में थी तो फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कभी कंट्री ज्यादा कभी कम जितनी <coughs> उनको लेना होता है कंट्रीज के क्राइटेरिया के हिसाब से वो रखते हैं सो दिस इज अबाउट जेंडर गैप इंडेक्स और अभी भी है में, कि कौन निकाल रहे हैं। दूसरी चीज अब चूंकि कुछ ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस में भी देने लगे हैं तो वहां पे पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया की अभी की रैंकिंग क्या हुई आउट ऑफ कितना है सबसे सब नीचे क्या रैंकिंग रही है अफगानिस्तान तो की रही है वर्स्ट परफॉर्मेंसेस में राइट right. तो ये आपको देखना है साथ ही साथ हम देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में तो 1971 में इसको स्टेब्लिश किया गया था हेड क्वार्टर इसका जिनेवा में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन हुआ करता था और अभी भी हो सकता है इन नियर फ्यूचर एंड दिस वाज फाउंडेड बाय क्लॉस श्रॉप नेक्स्ट रिपोर्ट हियर इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 अगेन रिलीज बाय इंडियन सॉरी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी एंड 163 कंट्रीज को कवर किया है इन्होंने इसमें जो एवरेज लेवल है ग्लोबल पीसफुलनेस का वो डिटेडियड हुआ है 0.3 परसेंट के साथ ही एंड वर्ल्ड uh, का सबसे लीस्ट पीसफुल जो रीजन है वो है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मैना विच इज कॉल्ड मैना मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका सो ये सबसे लीस्ट uh, पीसफुल है और यूरोप जो है मोस्ट पीसफुल रीजन रहा है uh, इस पूरे पीरियड के लिए कंट्री की बात करें तो आइसलैंड जो है सबसे पीसफुल कंट्री है आइसलैंड टॉप रैंकिंग में है एंड अफगानिस्तान अगेन बेचारा सबसे पीछे ही है रिमेन्स द लीस्ट पीसफुल कंट्री अपोजिशन इट हैज हेल्प फॉर द लास्ट फाइव ईयर पिछले पांच सालों से कंटिन्यूसली ये पिछले लास्ट पोजिशन पर ही हो रहा है मतलब कि वन सिक्सटी थर्ड रैंक पर है ये फर्स्ट रैंक पर है टॉप रैंकिंग कंट्रीज में से हैं आइसलैंड न्यूजीलैंड आयरलैंड एंड बॉटम रैंकिंग कंट्रीज में जो आपके आ रहे हैं इंडिया का रैंक इसमें दिया हुआ है कहाज वन थर्टी फाइव इंडिया इज एट वन थर्टी फाइव ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक वन थर्टी फाइव है अगर हम नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो नेपाल सेवेंटी थ्री um china 89 sri lanka 90 bangladesh 96 and pakistan 147 right so this is about india's rank india ki rank global peace index mein 135 hai um aap log ek chart prepare kar लीजिएगा us chart mein simply uh, organization and ranking ye do data aap usme mention kijiyega right india ki ranking kya hai aur organization kaun sa report kaun se सो so, आप इससे क्या होगा ना इससे कॉम्प्रेंसिव व्यू एक टाइम पे कंपेरिजन के लिए आपको दिख जाएगा कि भाई किस तरीके से ये मतलब ये काम कर रहा है लास्ट की रिमेम्बरेंस के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू वांट इट तो आप इसको पिन कर सकते हैं मैं इसका एक आपको बना के एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ सो इफ यू इफ यू वांट दैट थिंग तो आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं सो आई वुड लाइक टू परफॉर्म इट फॉर यू बिकॉज एक चार्ट अगर प्रिपेयर हो जाएगा दैट वुड बी ईजी फॉर योर लास्ट क्विक रिविजन ऑफ द रिपोर्ट क्योंकि पॉसिबिलिटीज uh, होती हैं कि एक ना एक क्वेश्चन निकल के आना ही है किसी ना किसी रिपोर्ट से इधर रैंकिंग में आ जाता है इधर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है या फिर आजकल यूपी में भी अगर हम देखें तो मल्टीपल ऑप्शन का ट्रेंड हो गया तो वो ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट अफेक्टेड रीजन कौन सा है वो um, या फिर मोस्ट पीसफुल रीजन कौन सा इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चन ऑप्शन में भी डाल सकते हैं सो आई ट्राई टू समराइज इट इन वन टेबल तो इफ यू वांट इट यू कैन पिन मी इन दिस कमेंट बॉक्स एंड आई ट्राई टू शेयर अ स्क्रीनशॉट विद राइट ना नेक्स्ट इज नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स इंडिया ने अपनी पोजिशन इम्प्रूव की है देखिए दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट अब अभी तक तो ये ट्रेंड देखने को नहीं मिला है कि कोई प्राइवेट एजेंसीज को जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है उनके बारे में पूछा जाए इन फ्यूचर इफ दिस बिकम्स फेमस अलॉट तो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं बट अभी इतना ज्यादा याद रखने की हमको जरूरत नहीं है ओवरऑल अगर हम कंट्रीज की बात करें तो 131 कंट्रीज हैं इसमें और इंडिया की रैंक सिक्सटी है वन वन में से एंड दो uh, से हमारी रैंक इंप्रूव हुई 67 थी, है थी हो गई है नेटवर्क रेटिनेस इंडेक्स इनिशियली 2002 में 2022 में लॉन्च हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एंड एनआरआई आर आई हैजीन इन 2019 फिर इसको दोबारा से 2019 में रीडिजाइन किया गया था बाय इट्स फाउंडर्स एंड को एडर्स सुमित्रो दत्ता एंड ब्रूनो लैंडवेन ठीक है सो चार डायमेंशन पे इसको एक्सेस किया जाता है या इसको एनालिसिस किया जाता है टेक्नोलॉजी पीपल गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट एंड फिफ्टी एट इंडिकेटर्स ये यूज करते हैं टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स सिंगापुर एंड स्वीडन दीज आर द टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज एंड इंडिया जो है इट्स रैंक थर्ड आउट ऑफ थर्टी सिक्स इन द ग्रुप ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज तो भाई जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज का जो ग्रुप है उसमें से इंडिया की रैंक जो है वो थर्ड है India secured first rank in AI talent concentration, second rank in mobile broadband internet traffic within the country. I hope you can um, relate with this. Mobile broadband internet traffic within the country is second rank in India, ki, and also international internet bandwidth. And third in the annual investment in telecommunication services and domestic market size. And do not worry, this point of view is important.

इसमें पांच सब इंडेक्सेस हैं और 17 पिलर्स इन 112 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स डोंट हैव टू रिमेम्बर इतना बड़ा डेटा हम याद नहीं रखेंगे टॉप थ्री कंट्रीज इन द इंडेक्स की बात करें तो जापान यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेन ये टॉप थ्री कंट्रीज रही है ठीक है सो दिस इज अबाउट ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स टूरिज्मी नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल विंड रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इसको लॉन्च किया गया ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा ऑब्जेक्टिव इसका है टू लुक इनटू इन टू दू अप द कंट्रीज विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन एंड कैपेसिटी तो भाई कंट्री में कितनी कैपेसिटी है विंड एनर्जी इंस्टॉल करने की या उसका पोटेंशियल कितना है इसके बारे में यहाँ पर देखा जाता है टॉप कंट्री <coughs> की बात करें तो चाइना जो है वो टॉप कंट्री रही है फॉलोड बाय यूएसए सो चाइना एंड यूएसए सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल या जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी वो रही है वो चाइना देन यूएसए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक इसमें फोर्थ है एंड इज अ गुड रैंक ऑल दो इन इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी में हमारी फोर्थ रैंक है विध फोर्टी पॉइंट वन गीगा ट्वेंटी ट्वेंटी जनवरी दो हजार बाईस तक के डेटा की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रही है कपैसिटी रही है

एंड द कंट्रीज विच इम्प्रूव्ड आर हॉन्डूराज कोसोवो बेल्स मोल्डोवा यूनाइटेड स्टेट्स इस पर उतना ध्यान नहीं देना है कि कौन सी कंट्रीज में नहीं याद भी नहीं रह सकता है यू आर नॉट इन ए आई मशीन तो बस हमको ये याद रखना है कि इंडिया की रैंक कितनी रही है वन फोर्टी में से सेवेंटी सेवन रैंक इंडिया की रही है और इसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको रिलीज़ करता है

एंड ऑस्ट्रिया की जो वियना सिटी है इट वॉज रैंकड फर्स्ट एंड डेमेस्कस इट वॉज रैंक लास्ट इन द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स ठीक है तो भाई जो फर्स्ट uh, जो सिटी है वो है वियना एंड जो लास्ट रैंकिंग में है वो डेमेस्कस है इंडिया की किसी रैंक का इसमें नहीं किया गया हो सकता है हम बहुत पीछे हों इसमें लेबिलिटी में So this is all about Global Livability Index, which is released by Economist Intelligence Unit AIU. The next is Asia University Ranking 2022. So Times Higher Education THE released the latest edi uh, edition of the Asia University Rankings. This launch kiya hai, Times Higher Education ke dwara, and 13 performance indicators. जापान इज द मोस्ट रेप्रजेंटेड नेशन अगेन दिस ईयर विद द वन एटीन इंस्टीट्यूशन अप फ्राम वन सिक्सटीन लास्ट ईयर राइट तो भाई सबसे ज्यादा मोस्ट रेप्रजेंट नेशन जो है वो जापान रहा है चाइना इज़ होम टू द कॉन्टीनेंट्स टॉप टू यूनिवर्सिटीज फॉर दर्ड कॉन्जिव इयर तो जो टॉप टू यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से वो चाइना में हैं एंड चाइना इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट रेप्रजेंटेड कंट्री विद नाइंटी सेवन मेन लैंड चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ तो so, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड कंट्रीज भी है एंड पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटीज रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम अब पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटी पहली बार इसको रैंकिंग दी गई है ठीक है तो ये तो ओवरऑल हो गया कि भाई किस किस को क्या रिप्रेजेंटेशन मिली बट अगर हम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि टॉप इंस्टीट्यूशन एज पर रैंकिंग इन एशिया की बात करें तो सिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना देन पैकिंग यूनिवर्सिटी चाइना एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर चाइना तो टॉप तो टू तो में चाइना की आई है एंड थर्ड इज सिंगापुर इंडिया की प्रेजेंस कहाँ है तो इंडिया इज द थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बी थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है इंडिया पहली जापान थी चाइना सेकेंड थी इंडिया थर्ड है सत्रह इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप टू हंड्रेड में आई है एज कम्पेयर टू एटीन लास्ट ईयर एंड यहाँ से अगर हम टॉप में देखें तो आई आई एस सी बैंगलोर जो है वो इट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट टू मेक द टॉप फिफ्टी पोजिशन मतलब फोर्टी सेकेंड रैंक पे आई आई एस सी तो इंडिया से जो पहली रैंक मिली है वो आई आई एस सी बैंगलोर को मिली है दें हैनले पासपोर्ट इंडेक्स हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इट वाज पब्लिश्ड बाय हैनले एंड पार्टनर्स हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम डायरेक्टली पोजीशन uh, uh, पर आ जाते हैं इंडिया की कि यह इस सेवेंथ पोजीशन पे रहा है इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करने तो जापान हैड रिटेन्ड इट्स पोजीशन एस मोस्ट टॉप थ्री कंट्रीज रही हैं जापान सेकेंड इज सिंगापुर एंड साउथ कोरिया एंड थर्ड इज जर्मनी बॉटम थ्री कंट्रीज जो रही हैं वो है अफगानिस्तान इराक और सीरिया इंडिया की बात करें तो इट इज ऑफ इट इज टू प्लेसेज ऑफ द लास्ट ईयर एटी सेवेंथ इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैज वीजा फ्री एक्सेस टू कंट्रीज ओके इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके पास वीजा फ्री एंट्रीज है कितना साठ कंट्रीज में है

एंड इसके पूछे जाने के चांसेस भी कम हैं तो इसको हम बहुत ज्यादा नहीं इसमें घुसेंगे एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर टॉप थ्री सिटीज की बात करेंगे तो सिंगापुर सिडनी वेलिंगटन ये तीनों ही प्लेटिनम कैटेगरी में डाले गए हैं टॉप थ्री कंट्रीज इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो इंडिया से जो इंडियन सिटीज हैं फॉलोइंग सिटीज टॉप टेन इंडेक्स आर फोर्टी रैंक पर रहा है, है बैंगलोर जिसको गोल्ड कैटेगरी में डाला है नो प्लेटिनम कैटेगरी दिल्ली सैवनटीन्थ रैंक पर रहा है सिल्वर हैदराबाद एटीन पे सिल्वर एंड मुंबई ट्वेंटी ठीक है तो सस्टेनेबिलिटी में बैंगलोर डेली हैदराबाद एंड मुंबई नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी डेस्ली जुलाई 11th को ये रिलीज किया गया है इसको रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर पॉपुलेशन डिवीजन यूनाइटेड नेशन की फाइंडिंग्स की बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच एट बिलियन On November 15, 2022, and India is projected to surpass China as the world's most populous country in 2023. तो so India 2023 में ही surpass कर जाएगा. पहले 2027 तक का um, एक figure दिया गया था, but thanks to COVID, India 2023 में surpass कर जाएगा China को. November 15, 2022 पे United Nations celebrated Day of 8 Billion ठीक है, तो भाई उन पंद्रह नवंबर 2022 को ये क्वेश्चन प्रोमिनेंट हो सकता है देखिए कुछ एग्जाम्स के लिए कि पंद्रह नवंबर 2022 को यूनाइटेड नेशंस ने डे ऑफ 8 बिलियन सेलिब्रेट किया था इट बी अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन उसी दिन आठ एट्थ बिलियन जो चाइल्ड था नंबर पंद्रह नवम्बर को सेलिब्रेट uh, किया गया था 2011 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन पहुंच गई थी एंड 2023 में हमने 22 में एक नया माइलस्टोन लिया 8 बिलियन पहुंच गई है एंड 15 साल और लगेंगे अंटिल 2037 की 9 बिलियन पहुंच जाएगी ग्लोबल फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है लेकिन ठीक है तो 2.1 हो गई है बर्थ पर विमेन बाय ट्वेंटी

An important report. So, world nation uh, United Nations Conference on Trade and Development has released report focus karta hai on uh, the trends in foreign direct investment worldwide at the regional and country levels. Global investment trends and prospects: ki baat to Singapore and USA. These two nations are top two sourcing nations in FDI equity. Flows into India in financial year 21-22. And it is followed by Mauritius, Netherlands, and Switzerland. देन ग्लोबल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रहा है फ्लोज इन ट्वेंटी ट्वेंटी ट्रिलियन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह रहा है कि भाई डेटा एस सच बहुत ज्यादा डेटा हमको एक्वायर नहीं करना है कुछ ही एग्जाम्स के लिए ज़रूरत होती है सो so, सारे एग्जाम्स के लिए हमको ये जरूरत नहीं है बट एक कॉम्प्रेंसिव फिगर आप याद रखिए वन पॉइंट फाइव एट ट्रिलियन का डॉलर का जो एफ टी आई फ्लो हुआ था सेवेंथ रैंक अमंग द टॉप ट्वेंटी पोस्ट इकोनॉमीज एंड कर्नाटका एंड महाराष्ट्र जो हैं दे आर द टॉप टू स्टेट्स जो एफ रिसीव कर रहे हैं कर्नाटका एंड महाराष्ट्र सेक्टर रिसीविंग द हाईएस्ट एफ टी इन क्लोड ड्यूरिंग द ट्वेंटी ट्वेंटी देखिए स्टेट्स में तो कर्नाटक और महाराष्ट्र हो गए सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टॉप फाइव सेक्टर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसमें एफ आ रहा है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दूसरा सर्विस सेक्टर में आ रहा है तीसरा ऑटोमोबाइल में आ रहा है चौथा ट्रेडिंग में आ रहा है और पांचवा कंस्ट्रक्शन में आ रहा है तो ये पांच जो आपके सेक्टर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वाइल फॉर रिसीविंग द एफ सो This was our video for today, where we have completed our reports and indices. Uh, थोड़ा सा ज़्यादा कवर हो गया है comprehensive हो गया अगर दिल पे ले लिया था कुछ जगहों पर तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एक्सक्यूज़ मी फॉर इट बट आई थिंक एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू आपको मिल गया है इसका नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर कर लेंगे इसी की तरह पूरा पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो इसका भी हम कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद में जो मिसलेनियस पोर्शन बनेगा आई थिंक वो थोड़ा सा ज्यादा है अगर दो वीडियोज में कवर हो पाया या फिर एक ही लॉन्ग वीडियो के लिए मैं पब्लिश कर दूंगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडे नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल इवेंट्स लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं जय हिंद